नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप आधार सेंटर कैसे खोलेंगे। जैसे कि आप लोग कई सारे न्यूज़ के माध्यम से, चाहे अखबारों में, कई जगह से आप लोगों को ये सूचना मिल चुकी होगी कि आधार सेंटर अब फिर से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या कहें कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से फिर से शुरू होने वाला है। इसी जानकारी पर मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को आगे करना है कि ताकि आप लोगों को सेंटर फटाफट मिल जाए और कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूंगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते मैं यहाँ पे वीडियो बनाया था 3 दिन पहले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों पर खुलेंगे अब नए आधार कार्ड सेंटर। यहाँ पे जो आधार सेंटर खुलेंगे वो ओनली 3 लाख ही खुलेंगे। आप लोग आकलन कीजिएगा पूरे भारत में कितने डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करने वाले भेली भाई हैं। कहीं ना कहीं अगर ये सर्विस शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा होड़ मची रहेगी कि पहले मुझे मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को व्यवस्थित रहना पड़ेगा पहले, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज आप लोग देख सकते हैं, शीतकालीन सत्र में आ सकता है आधार अधिनियम में संशोधन का बिल। इसके अलावा दोस्तों रविशंकर प्रसाद जी ने, जो कि आईटी मंत्री है, उन्होंने भी कह दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार की सेवाएं शुरू करने के लिए सोच रहे हैं या फिर शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की है। कई ऐसे यूजर्स हैं जिनका कमेंट मैं पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये चुनावी मुद्दा है या फिर चुनावी स्टंट है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव करीब आ रहा है तो बातें बड़ी बड़ी हो सकती हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? वाकई में अगर ये सेवाएं शुरू हो गई तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों जितने भी डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करने वाले भेली भाई हैं उन लोगों को इस पोर्टल के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस पोर्टल का लिंक आप लोग लिख के रख लीजिए और इसे लगातार चेक करते रहिए कि इस पर कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। इसके अलावा आप लोगों के डी जी मेल पर भी नोटिफिकेशन चला जाएगा आधार के संबंधित। दोस्तों आधार सेंटर जो पुराने वेली हैं, जो पहले आधार कार्ड बनाते थे, उनके पास सारी डिवाइसें और आधार कार्ड में कैसे काम करना है उसकी पूरी नॉलेज उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर आप आधार में काम करेंगे तो इसमें एक बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि जितने भी आधार कार्ड बनते थे वे लैपटॉप की मदद से बनते थे, लेकिन अब जो आने वाले समय में अगर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आप लोगों को डेस्कटॉप की मदद से बनाना पड़ेगा और वे डायरेक्टली ऑनलाइन की प्रक्रिया में बनेगी। ऐसी सूचना मिल रही है कि वे डायरेक्टली ऑनलाइन बनेगी और कुछ जगह पे मैं पोस्ट ऑफिस में देखा हूँ जहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आधार कार्ड का पूरा काम हो रहा है, तो आप लोगों को डेस्कटॉप का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। या फिर आप लोगों के पास पहले से ही डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेस्कटॉप में क्या दिक्कत है, सप्लाई आप लोगों को एनी टाइम रखनी पड़ेगी, लेकिन लैपटॉप में क्या है, छोटा सा आप इन्वर्टर रखे हैं तो पूरे दिन उस लैपटॉप से पूरा काम कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा स्टार्ट होने के बाद ही की जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप नए वेली हैं, अगर आपको आधार सेंटर में काम करना है तो आप लोग अभी से कोई भी मशीन ना लीजिए, क्योंकि एक यूजर ने मेरे पास कमेंट किया कि वे आधार सेंटर खोलने के नाम पर 90,000 रुपया दे दिया है और उसका पैसा डूब गया है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर सावधान रहने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसी दौर में बिचौलिए आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, आप लोगों से पैसा ले लेंगे मशीन के नाम पे, आधार सेंटर खोलने के नाम पे, और आपका पैसा डुबा देंगे। जब तक कोई ऑफिशियल सूचना डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपके डीजीमेल पे या फिर इस पोर्टल पे नहीं मिलता है, तब तक आप लोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का पैसा ना दें या फिर किसी भी तरह का नया डिवाइस न खरीदें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपसे अस्थायी रूप से न कर दे कि आप मशीन ले लीजिए अगर आपको काम करना है, तब तक आप लोग किसी भी तरह का मशीन या फिर डिवाइस या फिर किसी भी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। मैं उस व्यक्ति का मैं कमेंट पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि मेरा 90,000 रुपया मैं दिया था, उन्होंने बोला था कि 15 दिनों में चालू हो जाएगा, लेकिन मेरा पैसा भी नहीं मिला अभी तक और अभी तक आधार सेंटर भी नहीं खुला। तो इस तरह से आप लोग ना फंसे, इसके संबंधित ये वीडियो था। और जो नए यूजर्स हैं जिनको आधार में काम करना है तो उनके भी बारे में मैं यहाँ पे विस्तार से बता दिया हूँ, आप लोग भी समझ गए होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होता है आधार सेंटर खोलने के नाम पे, तो आप लोग सावधान बरतें। और इसके संबंधित विस्तार से पूरी जानकारी अगर आप लोगों को लेनी हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप लोग खोल के उस पूरे आर्टिकल को आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमेशा आप लोग न्यूज़ पोर्टल या फिर
डीजीमेल को देखते रहिए, अपडेट रहिए, कोई भी सूचना मिले जल्द जल्द उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करते रहिए। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी अधिक से अधिक संख्या में जरूर सब्सक्राइब करें। आधार संबंधित और भी कोई नई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।